नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीवो का वीवो T1 44 बोर्ड वाला। दोस्तों जी, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, ये देखिए। और आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और आपको इस फ़ोन के फीचर्स, डिज़ाइन और बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है सब बताऊँगा, साथ ही दोस्तों प्राइस भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों जो एक अनबॉक्सिंग है जिसको मैंने आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, ये फ़ोन इसकी प्राइस क्या होने वाली है, इस फोन में क्या क्या फीचर मिलते हैं, डिजाइन क्या है, सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और सारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों देखिए, जो फ्लिपकार्ट का बॉक्स है मैंने ओपन करके देख लिया था चेक करने के लिए, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड टाइप हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसे चेक किया था। चलिए बॉक्स बाहर निकालते हैं। दोस्तों देखिए, ये है बॉक्स। इसके अंदर ये इसका बिल है जी, मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइस क्या है, ये रखता हूँ साइड में। तो बॉक्स भी दोस्तों मैंने ओपन करके देख लिया था, जो देने आया था डिलीवरी बॉय उसी के सामने, जिससे अगर इसके अंदर फोन गया कुछ और निकले तो मैं क्लेम कर सकूँ। तो इस दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ इस फोन के की हाईलाइट की। ये देखिए, इसमें दोस्तों हमें मिलती है 44 वॉट की एक फ्लेक्स चार्जिंग सपोर्ट। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि जो चार्जर होता है वो हमें इस बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो 6 nm वाला है। इसमें आपको 6.44 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। दोस्तों जी, मेरे पास 4GB और 128GB वाला वेरिएंट है, जो एक ब्लू कलर का है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा डिवाइस है। और दोस्तों मैं करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं है, T1 लिखा हुआ है। चलिए ओपन करते हैं बॉक्स। तो ये देखिए जी, मिलता है पहले हमें एक और बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर, इसके अंदर दोस्तों देखते हैं क्या है। तो दोस्तों देखिए, वीवो का ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्या हमें एक बैक कवर साथ में देता है वीवो। बाकी काफ़ी ब्रांड हैं दोस्तों जो हमें बैक कवर नहीं दे रही। दोस्तों देखिए, ये है क्विक स्टार्ट गाइड, जिसकी दोस्तों वारंटी गाइड है, वारंटी कार्ड, और दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे भी कोई इन्हें पढ़ता नहीं है। तो ये एक TPU कवर है, ट्रांसपेरेंट, काफ़ी सॉफ्ट है, बट हमें बॉक्स के अंदर मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात है। ये दोस्तों डिवाइस है, इसको मैं साइड में रखता हूँ, बॉक्स के अंदर पहले दिखाता हूँ क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये इसकी डाटा केबल है, जी है दोस्तों इसका 44 वॉट का चार्जर है। दोस्तों चार्जर काफ़ी बड़ा है, तो हमें बॉक्स के अंदर ही मिल रहा है चार्जर, और सपोर्ट दोस्तों काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो आपका फ़ोन फटाफट चार्ज हो जाएगा। जी है दोस्तों इसकी सिम इजेक्टर पिन, देखिए और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों डाटा केबल जो होने वाली है, ये USB A to Type-C होने वाली है। एक बार मैं चेक करता हूँ, ये देखिए USB A। देखिए दोस्तों आपको थोड़ा ब्लर हो रहा है, USB A USB Type-C, ये देखिए। तो दोस्तों हमें टाइप सी केबल मिलती है इसके अंदर, वैसे भी टाइप सी चल रही है आजकल सभी में। अब मैं चलता हूँ मेन फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों देखिए ये फ़ोन, दोस्तों देखिए हमें इस बॉक्स के अंदर एक कवर मिलता है, और अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर दोस्तों हमें एक स्क्रीन गार्ड भी लगा मिलता है, टेम्पर ग्लास नहीं है बट स्क्रीन गार्ड लगा के मिलता है। तो दोस्तों ये भी अच्छी बात है कि अगर आपके क्षेत्र में टेम्पर ग्लास या बैक कवर की शॉप नहीं है तो आप कुछ दिन ऐसे ही यूज कर सकते हो, जब तक आप ऑनलाइन नहीं मंगा लेते तो आपके फ़ोन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। यह दोस्तों इसमें आपको बैग में मिलता है, देखिए क्या कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है देखने में, कलर काफ़ी अच्छे हैं। और दोस्तों इसमें 2 कैमरे का बम्प दिया गया है, बट इसमें 3 कैमरे मिलते हैं हमें, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। एक कैमरा आपको ऊपर वाले कैमरे मिलता है,
और दोस्तों नीचे वाला जो बम्पर कैमरा का, इसके अंदर आपको दो कैमरे मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें मिलती है 44 वाट की एक फ्लेक्स चार्जिंग का सपोर्ट, जिससे दोस्तों आपका फ़ोन 28 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें बैटरी भी काफ़ी बड़ी मिलती है, 5000 mAh की। इसके मेन कैमरे की बात करें दोस्तों, तो वो है 50 मेगापिक्सल का, जो कि दोस्तों इधर दिया गया है। और दोस्तों इसके फिंगरप्रिंट की बात करूँ दोस्तों, तो वो डिस्प्ले के अंदर दिया गया है यहाँ पे, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा डिवाइस है, इसमें आपको 3 कैमरे फोटो मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 2 कैमरे दिखाए जा रहे हैं, बट इसमें दो कैमरे हैं दोस्तों, एक 50 मेगापिक्सल का है, बाकी दोस्तों 2 कैमरे 2-2 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है, तो फ्रंट कैमरा भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। 5000 mAh की बैटरी है दोस्तों, इसमें आप 4G तक सपोर्ट कर सकते हो और डुअल सिम लगा सकते हो। प्लस दोस्तों आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, बट आपको इसके अंदर 5G का सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपको इसका ध्यान रखना है दोस्तों। काफ़ी अच्छा डिवाइस है। अब मैं आपको इसकी की हाईलाइट की बात करता हूँ, तो वो ये है दोस्तों इसकी चार्जिंग सपोर्ट और बैटरी। तो दोस्तों देखिए, जो पीछे जो जो दिया गया बैग, ये दोस्तों प्लास्टिक का है, बट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें टेक्सचर टाइप से दिख रहा है आपको। कैमरे का बम दोस्तों थोड़ा लंगड़ा हुआ है, ये देखिए मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये देखो कैमरे का ये दोस्तों ये बम्प है, ये थोड़ा निकला हुआ है। दोस्तों इसके ऊपर आपको सिम ट्रे मिलती है, जिसमें आप 2 सिम एक और मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और अभी हम चेक करेंगे जी दोस्तों, इसका सेकेंडरी माइक है, वॉइस कैंसिलेशन माइक। ये दोस्तों यहाँ पर माइक दिया गया है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको 3.5 mm जैक मिलता है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी फ़ोन हमें नहीं देते। यहाँ USB Type-C पोर्ट मिलता है, ये इसका दोस्तों स्पीकर है, सिंगल स्पीकर के साथ आता है ये फ़ोन, बट इसका सिंगल स्पीकर दोस्तों काफ़ी लाउड है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ दोस्तों आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, ये देखिए इस जगह पे। और यहाँ मिलता है दोस्तों आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन, इस साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता। चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर दोस्तों हमें कैसी क्वालिटी मिलती है। तो फर्स्ट टाइम दोस्तों मैं इसे रिबूट कर रहा हूँ, तो ये ऑन हो चुका है, वीवो का ब्रांड जिस पर लिखा हुआ आ चुका है। हम देखते हैं कितना टाइम लेता है ये ऑन होने में। तो दोस्तों फ़ोन मैंने सेटअप कर दिया, ये देखिए हमारा फ़ोन सेटअप हो चुका है। काफ़ी टाइम लिया दोस्तों इसने, काफ़ी करीब समथिंग 5 से 6 मिनट दी थी इसने, तो मैंने उसको सेटअप कर दिया। यूजर इंटरफेस का दोस्तों काफ़ी अच्छा है, देखिए ऊपर की तरफ आप करोगे तो ऐप डोर मिलेगा, जैसे दोस्तों आपको वन प्लस में देखने को मिलता है उस तरीके से। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको मिलती है यहाँ से 6.44 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। और दोस्तों इसके अंदर ऊपर ऐसे आपको ऐप डोर मिलता है, और आप ऊपर से दोस्तों इससे सपोज नीचे स्वाइप करोगे तो दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे नोटिफिकेशन बार। जो दोस्तों जैसे आपको वीवो के फ़ोन पहले नीचे से मिलता था, बट इसमें मिलता है ऊपर से, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये सेम आपको वन प्लस टाइप से लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास वन प्लस 9 Pro, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए इसका भी सेम ऐसा ही है, देखिए, और इसमें भी दोस्तों आपको ऐसा ही दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए सेम दोस्तों एक सा लग रहा है मुझे, देखिए कोई मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा, थोड़े आइकन का फ़र्क दिख सकता है, बट जो ऐप डोर जो होता है दोस्तों, नोटिफिकेशन पैनल ऊपर नीचे होने का सेम एक साथ दिख रहा है मुझे दोनों में। बट दोस्तों जी ये फ़ोन है, ये 56,000 रुपये का है, और जी है दोस्तों कितने का, जी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीवो वाला। तो दोस्तों जो हमारा फ़ोन अभी सेटअप हो रहा धीरे धीरे, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके फीचर्स। तो दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको एक इसका कैमरा एक फ़ोटो खींच कर दिखाता हूँ। देखिए कैमरा दोस्तों भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको इस वीडियो में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैं जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ
उसमें थोड़े दोस्तों कुछ दिक्कत आ गई है उस कैमरे में इसलिए, बट मुझे रियर में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपको एक फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ, ये देखो साउंड, कैमरा साउंड दोस्तों काफ़ी अच्छा है। दोस्तों देखिए जे इसका फ़ोटो वही मैंने जो खींचा था, ये देखो काफ़ी क्लियरिटी आई है इसमें। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप जो वीडियो में देख रहे हो उसमें क्लियरिटी आपको शायद बाइट बाइट सी लगे, क्योंकि जिस चीज़ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, बट रियर में दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। दोस्तों सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। तो देखिए सेटिंग दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे आइकन आ रहे हैं सेटिंग में आपको। अब आप फोन में चलते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी टच कर इस पर अपने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया था, ये देखिए कनेक्ट है वाईफाई से। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कोई हमें और अपडेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इसमें हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन मिल रहा है, एंड्रॉयड 12, जो दोस्तों फनटच ओएस 12 ग्लोबल पर चल रहा है। और दोस्तों इसमें सिक्योरिटी पैच लेवल है वो दोस्तों 1 मई का, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात दोस्तों, हमें 1 मई का सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजिंग ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने फ़ोन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्योंकि ये जो फ़ोन दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, तो हम इसमें अपने जो फीचर हैं दोस्तों अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं दोस्तों, ऐप में ऐप डाउन मिलता है, ये भी अच्छी बात है। हाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ नोटिस करा दूं कि जैसे आप दोस्तों नॉर्मल जो फ़ोन होते हैं उनमें आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हो, वो आप इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका दोस्तों जो डायलर है वो गूगल की तरफ से, देखिए गूगल डायलर मिलता है आपको इसमें, तो आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। हाँ अगर आप करते हो फिर भी तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, बट दोस्तों सामने वाले इंसान को पता लग जाएगा कि आप उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो दोस्तों फ़ोन देखने में भी काफ़ी पतला है, देखिए ज़्यादा हैवी फ़ोन नहीं है। अब मैं आपको इस पर कवर लगा के दिखाता हूँ, जो कवर हमें मिला था इसमें, देखिए कवर लगने के बाद कैसी क्वालिटी आती है, कैसा दिखता है फ़ोन हमारा। तो देखिए दोस्तों कवर मैंने इस पर लगा दिया है, और इसकी जो प्रोटेक्शन है काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो कवर का जो एरिया है जिस थोड़ा बाहर निकला हुआ है चारों तरफ से, देखिए डिस्प्ले से बाहर अगर आपका फोन गिर जाता है इस तरीके से, तो डिस्प्ले पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, ये देखिए। और फोर्ट्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इसमें, कटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, क्योंकि जो हमें कंपनी की तरफ से मिला हुआ है कवर है। बैक की बात करूँ तो आपके फ़ोन की दोस्तों ये लुकिंग है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी कवर लगाने के बाद भी, और कैमरे का बम दोस्तों काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसमें भी, तो ये भी पूरा कवर्ड है। तो जे फ़ोन का दोस्तों ये कवर हमें इसमें मिलता है, तो आपका कुछ दिन टाइम इसमें दोस्तों कुछ दिन कट जाएंगे, आप चाहो तो बाद में मंगा सकते हो कोई और कवर, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं आप दोस्तों बताता हूँ इस फ़ोन की प्राइस। तो दोस्तों अगर आप इसका पेमेंट ऑनलाइन कैश करते हो फिर तो दोस्तों जो आपको पड़ेगा 14,499 रुपये का, क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस है अभी ऑफ़र वगैरह चल रहे हैं। बट दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को EMI पे लेना चाहते हो तो जी आपको कुछ थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों EMI पे हमें नो कॉस्ट EMI नहीं मिलती, उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।